हमने शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम क्लास नाइन जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर थ्री आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑल द न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग योर सॉल्ड एग्जाम्पल इंटेक्स न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ये जो क्लास नाइन का चैप्टर है पहला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन इसका जो थेरी वाला पार्ट है लेक्चर वन और टू में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है उसको मैं ऊपर के आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसको चेक करना मत भूलना वरना न्यूमेरिकल्स तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि तुम्हें फॉर्मूलाज कैसे बने थे यही समझ नहीं आएगा मूविंग फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है इजी लर्निंग बाय शुभम झा यहां पे आप देख सकते हो इसका नाम क्या है इजी लर्निंग बाय शुभम झा इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपको चाहिए तो आप ये ऐसे इजी लर्निंग बाय शुभम झा सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज माई नेम इज शुभम झा एंड आई एम एन एजुकेटर बाई चॉइस अ मेमरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर लेट्स गेट स्टार्टेड विद टू लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल जिसमें सबसे पहले हमें देखना है टाइप टाइपन न्यूमेरिकल टाइपन न्यूमेरिकल बेस्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल टाइम तो स्पीड और वेलोसिटी में कितना फर्क है ये तो मैंने आपको के टाइम में बताया था तो अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन एन एथलीट

बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन और फिर से ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है तो समझदार लोगों को यही समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग सेम है अगर स्टार्टिंग सेम है तो यहां पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मूविंग प्रदर हमें ढूंढना क्या है वी हैव टू फाइंड वट इज द एवरेज स्पीड एंड वट इज द एवरेज वेलॉसिटी तो हमें एवरेज स्पीड और वेलॉसिटी ढूंढना चले क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं गीवन में आपको डेटा दिया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था हमारे एथलीट ने 400 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो मीटर क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है टाइम कितना लगा उसको उसको लगा पच्चीस सेकेंड ढूंढना क्या है मैं? हमें हमें ढूंढना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फार्मूला कौन सा है अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की तो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है और अगर हम बात मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की तो हमारे पास फॉर्मूला है

अगला हमें ढूंढना था इसमें एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट बहुत जीरो रिमेंबर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम था तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा अपॉन ट्वेंटी फाइव सेकेंड जो कि टोटल टाइम है तो यहां पर आंसर क्या आएगा जीरो राइट सिंपल सी बात है ना जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आने वाला है जीरो राइट तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इट वाज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड राइट right? तो यहां तक क्लियर हो गया तो ये दोनों आंसर को ऐसे डब्बे बना दो और आपको नंबर मिल जाएंगे नाउ मेकिंग दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आंसर को हाईलाइट करता है लेट्स मूव फर्दर तो पहला वाला सम तो हुआ खत्म उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अब दूसरे सम की बात करते हैं सेकेंड जो सम है आपका वो सम है एन ऑब्जेक्ट मूव एटीन मीटर इन द फर्स्ट थ्री सेकेंड पहले तीन सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट है जो कितना बढ़ता है एटीन मीटर आगे जाता है ठीक है ट्वेंटी टू मीटर इन द नेक्स्ट थ्री सेकेंड

एटीन मीटर प्लस ट्वेंटी टू मीटर प्लस फोर्टीन मीटर टाइम कितना लगा उसको टोटल टाइम कितना लगा अच्छा इसको ऐड करके आंसर क्या आएगा मुझे बताओ फिफ्टी फोर मीटर टाइम कितना लगा टोटल टोटल टाइम यहां से तीन यहां से तीन और यहां से तीन मतलब थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री थ्री सेकंड प्लस थ्री सेकंड प्लस थ्री सेकंड दैट इज इक्वल टू नाइन सेकंड यस अब हमें ढूंढना क्या है हमें ढूंढना एवरेज स्पीड चलिए फार्मूला लगाते हैं फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वैल्यू डालो वैल्यू डालो सॉल्यूशन करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना था 54 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा आपको 6 मीटर पर सेकेंड एक डब्बा बना दीजिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड तो दूसरा सम देखिए कितना सिंपल है तो अब अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलॉसिटी पर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता है ये हलवा क्वेश्चन है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो कि थर्ड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे मुझे तुम्हें यार पोपट नहीं बनाना है मुझे तुम्हें जीनियस बनाना है सो द क्वेश्चन इज अ पर्सन स्विम्स हंड्रेड मीटर इन द फर्स्ट फोर्टी सेकंड उसके बाद एटी मीटर इन द नेक्स्ट फोर्टी सेकंड एंड फोर्टी फाइव मीटर इन द लास्ट ट्वेंटी सेकंड वट इज द एवरेज स्पीड तुम समझ गए हंड्रेड प्लस एटी प्लस फोर्टी फाइव को ऐड करना है फिर फोर्टी सेकंड प्लस फोर्टी सेकंड प्लस ट्वेंटी सेकंड ऐड करना है दोनों मिल जाएगा फॉर्मूला में डालो निकल जाएगा आंसर तो इसको जरूर करना और नीचे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में कि थर्ड टाइप ए थर्ड का आंसर क्या था आई होप कि आपको टाइप ए के थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं टाइप बी न्यूमेरिकल्स की अब ये जो टाइप बी न्यूमेरिकल्स है ये आपके उन इक्वेशन पे बेस्ट है जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया था कौन सा इक्वेशन जी हाँ वी इज इक्वल टू यू प्लस वेलॉसिटी टाइम रिलेशन सिमिलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर एंड हाँ वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो कि है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू एस इसको याद करने का बहुत बढ़िया सा तरीका मैंने लेक्चर में बताया था लेक्चर टू में आई थिंक या वन में तो उसको जाके चेक जरूर करना बहुत आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा हमने कहानी बताई थी अपने लाइफ से रिलेटेड चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसमें तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ठीक है तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में कुछ ऐसा टेबल दिया है तुम्हें जहां पे यू की वैल्यू दी है ए की वैल्यू दी है टी की वैल्यू दी है और तुम्हें लास्ट में इक्वेशन दिया है पहला वाला इक्वेशन है ये वी इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी और क्योंकि ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा यहां पे कुछ वैल्यूज दी और यहां पे एक डैश है तो मतलब क्या है तुम्हें यहां पे वी की वैल्यू निकालनी है सिंपल ये देखो यू दिया है ए दिया है टी दिया है यू दिया है ए दिया है टी दिया है तो तुम्हें निकालनी क्या है वी की वैल्यू निकालनी है चलिए करके देखते हैं क्ल टू यू प्लस ए टी ये हमारा इक्वेशन है चलो ठीक है तो u की वैल्यू कितनी दी है हमें यहां से देखो u की वैल्यू दी है टू तो टू डाल दिया अच्छा और a की वैल्यू कितनी दी है हमें प्लस है ना बीच में प्लस है और a की वैल्यू कितनी दी है फोर और t की वैल्यू दी है थ्री तो फोर इंटू थ्री ए इंटू थ्री की जगह आ गया तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा टू प्लस फोर थ्री जब ट्वेल्व तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन मीटर पर सेकेंड तो v की वैल्यू मिल गई हमें सिंपल था तो यहां पे वी की वैल्यू हमने यहां पे डाल दिया देखो आ गया वी का वैल्यू फोर्टीन मीटर पर सेकेंड अब बात करते हैं दूसरे वाले की यहां पे क्या है यही इक्वेशन है वीजिकल टू यू यू प्लस एटी यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है यू की वैल्यू ढूंढनी है सिंपल है इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करो यू को उधर ही रहने दो ठीक है ये वी है यह एटी को इधर इधर से वी की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो वी माइनस एटी हो गया इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है ट्वेंटी माइनस फाइव इंटू टू ए इंटू टी राइट फाइव इंटू टू यहाँ पे देखो ना सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइव इंटू टी है ये फाइव है और ये यह यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये टू है तो फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा तो यहाँ पे ट्वेंटी माइनस टेन विच इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे आंसर आ गया तुम्हारा काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ना तो तुम ये खुद भी कर सकते हो चलो दूसरा करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ही है दूसरा वाला भी अगला दूसरा कैनामेटिकल इक्वेशन पे बेस्ट है यहाँ पे कैनामेटिकल इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर अब यहाँ पे क्योंकि एस है तो आंसर मीटर में आएगा।, यहाँ पे किस में आएगा मीटर में है, की है, और कितना है? थ्री सेकेंड और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्वेश्चन में आपको ढूंढना क्या है आपको पहले क्वेश्चन में एस की वैल्यू ढूंढनी है तो चलिए शुरू करते हैं चलो तो ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन को मैंने डाल दिया और अब मैं डालता हूं यू की वैल्यू तो यू की वैल्यू क्या थी मेरी पांच ठीक है यू टी टी की वैल्यू कितनी है मेरी थ्री तो फाइव इंटू थ्री हो गया यहाँ पे प्लस ठीक है यहां पे हाफ आ गया हाफ और मल्टीप्लाई बाय हाफ के बाद ये ए की वैल्यू है ट्वेल्व और टी की वैल्यू है थ्री तो थ्री का स्क्वायर अब ये सिंपल लिख करो फाइव इंटू थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय टूवेल्व थ्री का स्क्वायर एज इट इज लिख लिया तो फिफ्टीन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर फिफ्टीन प्लस ये देखो ना ये हाफ ट्वेल्व हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिक्स हो जाएगा और ये थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन राइट right? आंसर तो क्या आ जाएगा फिफ्टीन प्लस सिक्स इंटू नाइन तो फिफ्टीन प्लस सिक्स इंटू नाइन क्या होगा सिक्स नाइन जब फिफ्टी फोर और यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन प्लस फिफ्टी फोर टू सिक्सटी नाइन मीटर सिंपल आंसर तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिक्सटी नाइन मीटर अभी अगला वाला करते हैं अगले वाले में तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है तो कुछ बात करो इक्वेशन को ऐसे ही लिख लो और वैल्यूज डालो एस की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 92 टू दिए सेकंड वाले में उस इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी दी है यू की वैल्यू सेवन दी है तुम्हें तो सेवन और यहाँ पे टी की वैल्यू है फोर देखो सेवन टी की वैल्यू है फोर हाफ और ए की वैल्यू हमें पता नहीं और टी की वैल्यू है फोर तो फोर का स्क्वायर बस सिंपली इक्वेशन लिख लिया इक्वल टू नाइन्टी टू इज इक्वल टू सेवन फोर जा ट्वेंटी एट प्लस हाफ इंटू ए इंटू फोर का स्क्वायर होता 16, है सिक्सटीन वो किया सॉल्व किया सिंपली उसके बाद देखो नाइन्टी टू इज इक्वल टू ट्वेंटी एट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय हाफ एट हो जाएगा सबसे पहले क्योंकि टू वन या टू टू एट जा सिक्सटीन और ये ए तो एट ए आ जाएगा अब मुझे क्या निकालना है ए का वैल्यू निकालना है तो एट ए को मैं इधर रहने देता हूँ मान लो और ये ट्वेंटी एट को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा नाइन्टी टू माइनस ट्वेंटी एट तो यहां पे क्या आ जाएगा एट एज इक्वल टू सिक्सटी फोर और ए इज इक्वल टू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई एट तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां पे डाल दो एट क्योंकि एक्सलाशन था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इट सिंपल काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें थर्ड वाला एग्जांपल दे रहा हूं इसमें जो है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल लेकिन यहां पे जो इक्वेशन है वो ये है तो तुम यहां पे मुझे इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू नीचे कमेंट करके बताओगे सिंपल तरीका है निकालने का चलो तो ये जो ये जो भी है ये बेस्ट है इस वाले इक्वेशन पर यहां पे देख सकते हो ना वी स्क्वेयर इज टू यू स्क्र प्लस टू एस तो आई होप कि तुम ये करके मुझे जल्दी से भेज दोगे काइज तो यहां पे टाइप बी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं ऑलमोस्ट खत्म क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है लेकिन इससे बेस्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है अब ये तो कंप्लीट द फॉलोइंग थे तो वर्ड प्रॉब्लम जो जो भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं कुछ अलग सॉल्व नहीं होते वो भी एक बार देख लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है एक एरोप्लेन है जो टैक्सीज यहां पर टैक्सीज का मतलब क्या है कि रनवे पे चल रहा है ठीक है एरो एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर थर्टी सेकेंड तीस सेकेंड के लिए रनवे पे चलता है तो मान लो एक एरोप्लेन है और ये रनवे है और यहाँ पे वो एरोप्लेन चल रहा है तो स्टार्टिंग में रुका होगा ना चलने से पहले तो स्टार्टिंग में रुका होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फर्ज करो कि टी इज इक्वल टू तो थर्टी सेकेंड बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा है थर्टी सेकंड के लिए बोला ना टैक्सेज ऑन द रनवे फोर थर्टी सेकेंड तो टी इज इक्वल टू तो थर्टी सेकेंड बाद ये एरोप्लेन क्या होता है विथ एन एक्सलेशन ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ तो ये एरोप्लेन सब उड़ रहा उड़ रहा उड़ने मतलब चल रहा चल रहा उड़ने से पहले तो इसका जो एस्लरेशन था वो कितना था 3.2 मीटर पर स्क्वायर मतलब जिस तेजी से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी ओके हाउ मच डिस्टेंस उड इट कवर ऑन द रन वे तो पूछ रहा है यहां से जब एरोप्लेन हमारा यहाँ था और यहां तक पहुंचने से जो भी एस्लरेशन के साथ कितना डिस्टेंस हमारे एरोप्लेन ने कवर किया होगा रन वे पे ये सवाल है सिंपल सा सवाल है इसका क्वेश्चन क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं ना तो चलो सॉल्व करते हैं गिवन क्या दिया तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है जीरो मीटर पर सेकंड क्योंकि रुकी थी ना प्लेन बाद में स्टार्ट हुई टाइम कितना लगा तुम्हें तीस सेकंड लगा और एक्सलेन कितना हुआ तुम्हारा थ्री पॉइंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ तक शॉर्टेड है भाई साहब फाइंड क्या करना है तुम्हें तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिस्टेंस कितना फॉर्मला क्या है तुम्हारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का ये क्वेश्चन तुम यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इनिशियल वेलासिटी और टाइम है और तुम्हारे पास एक्सलेशन है तुम्हें यह ढूंढना है सिंपली तो मैं समझ में आ गया यूज़ करना है कि सॉल्यूशन तो में क्या इक्वेशन एक लिख दिया अब वैल्यूज पुट करो एस की वैल्यू हमें नहीं पता ये तो हमें ढूंढना इक्वल टू यू की वैल्यू क्या थी जीरो टी की वैल्यू कितनी थी मल्टीप्लाई बाई टी थर्टी प्लस हाफ लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट टू और टी की वैल्यू कितनी है टी की वैल्यू है मेरी थर्टी का स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर है तो अभी देखो यू ये जीरो हो जाएगा ठीक है ना ये तो जीरो हो जाएगा ना यहां पे देख लो आप चाहिए तो जीरो इंटू थर्टी ये तो जीरो हो जाएगा प्लस हाफ यह हाफ है इंटू थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय थर्टी का स्क्वायर नाइन हंड्रेड होता है चलो इक्वल टू ये जब मैं सॉल्व करूंगा बेसिकली नाइन हंड्रेड को मल्टीप्लाई बाय हाफ करके जो भी आंसर आएगा उसको थ्री पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन फोर फोर मीटर ये मेरा आंसर आता है तो मैं कह सकता हूं कि एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर ट्रैवल कर रहा है वन फोर फोर जीरो जीरो फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर एरोप्लेन मेरा रनवे पे ट्रैवल कर रहा है तो इज इट क्लियर सिंपल सा सम था कि नहीं बस वैल्यूज पुट करनी थी तो आई होप कि टाइप बी के न्यूमेरिकल्स ये वाले तुम्हें समझ में आ गए होंगे अब बात करता है सेकेंड सम की अब ये बहुत ही प्यारा सम है इस सम में आपके पास एक कंगारू है तो एंड कंगारू कैन जम्प टू पॉइंट फाइव मीटर वर्टिकली तो मान लो एक कंबार कंगारू है कंबारू नहीं कंगारू है और वो कंगारू जब मार रहा है तो जब मारा कंगारू ने और जब मार के कितना लंबा जम मारा ये जब इसने जम मारा तो इसने एक सर्टन डिस्टेंस ट्रेवल किया ना ऊपर की तरफ तो इसका डिस्टेंस था टू पॉइंट फाइव मीटर कितना डिस्टेंस था इसका टू पॉइंट फाइव मीटर टू पॉइंट फाइव मीटर वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी ठीक है जब वो कंगारू ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है मतलब कंगारू अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ये बात याद रखना वोट मस्ट बी द इनिशियल वेलासिटी अब इसका इनिशियल वेलासिटी क्या होगा जब ये उड़ा होगा यहां से तो उसकी कितनी वेलासिटी रही होगी ये पूछा हमसे अब बिल्कुल पक्का ऊपर जाकर के तो कंगारू रुक ही गया होगा ना तुमको मैं दिखाता हूं देखो कंगारू ने मारा जंप तो ऊपर एक बार रुकेगा फिर नीचे गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या था ये हमें देखना है और डिस्टेंस हमें पता है गिवन देखते हैं क्या लिखा है गीवन में हमें डिस्टेंस है पता कितना डिस्टेंस था 2.5 मीटर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि कंगारू जब जब मारेगा तो ऊपर रुकेगा फिर नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी मीटर पर हमें दिया नहीं है लेकिन हमें पता है कि जो ऊपर उड़ रहा है, है. और क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको खींच रहा है जो गिरेगा तो ठीक है अच्छा टू फाइंड ये नाइन पॉइंट एट नीचे की तरफ होता है याद रखना टू फाइंड करना ढूंढना है यूज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला हमारे पास ये वाला गिवन चीजों से हमें ये समझ में आता है कि फाइनल वेलोसिटी हम मेरे पास है इनिशियल ढूंढना है हमारे पास एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट है तो ये इक्वेशन हमें काम आने वाला है चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया v की जगह पे जीरो आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह क्या आएगा यू स्क्वायर ही आएगा क्योंकि हमें पता नहीं ढूंढना है प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए ए की वैल्यू क्या होगी माइनस नाइन पॉइंट एट क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था जब कंगारू ऊपर उड़ रहा था तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही थी तो कंगारू आज अगेंस्ट द ग्रेविटी ठीक है तो माइनस नाइन पॉइंट एट लेना अगर कंगारू नीचे की तरफ होता विथ द ग्रेविटी गिरते समय इनिशियल वेलोसिटी तो हमें उड़ते समय निकालना है ना जब कंगारू जंप मार रहा था अगर गिरते समय निकालना होता तो हम ये पॉजिटिव लेते डाउनवर्ड अभी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट फाइव मीटर ठीक है डिस्टेंस एस मतलब डिस्टेंस डालो वैल्यूज जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायेयर प्लस टू इंटू दिस ये सब करके आएगा तुम्हारा माइनस फोर्टी नाइन सिंपली ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस फोर्टी नाइन तो मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ इसको यू स्क्वायेयर को इधर रहने दिया मान लो इक्वल टू लिखा और ये जो फोर्टी नाइन है ना जीरो यहाँ पे माइनस में है उधर जाएगा जीरो की तरफ तो प्लस में हो जाएगा तो यू स्क्वयर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन हो गया तो यू की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा सेवन सिंपली तो यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी इसलिए मीटर पर सेकेंड मीटर सॉरी मीटर पर सेकेंड तो यहां पे देखो क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी इज सेवन मीटर पर सेकेंड क्लियर है तो कंगारू जब जम मार रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था सात मीटर पर सेकेंड ठीक है कंगारू बहुत तेज होते हैं यहां तक क्लियर हो गया सभी चीजें क्लियर हो गई चलो मैं आपको एक गुड न्यूज के बारे में बताता हूं अगर आप ये वीडियो बीस तारीख से पहले देख लेते हो बीस जून से पहले देख लेते हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है कि आप एक मैकबुक या फिर एक आईफोन या एक गेमिंग हेडफोन एक्सबॉक्स बॉक्स प्ले स्टेशन वन प्लस का फोन बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स जीत सकते हो ऐसे गिफ्ट जीतने के लिए आपको देना है इंडियाज अल्टीमेट एप्टीट्यूड चैलेंज जो कि है अनएकेडमी टेस्ट अगर आप अन एकेडमी टेस्ट देते हो तो ये सारे गिफ्ट आप जीत सकते हो डेट है ट्वेंटी जून मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं ट्वेंटी जून इज द डेट इनरोल करने के जो भी लिंक्स हो गए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आगे सुनो पहले इस टेस्ट में जो पुल है टोटल वो पांच करोड़ रुपीज का है तो ये जो भी तुम्हें स्कॉलरशिप और प्राइजेस जो भी मिलने वाले हैं वो पांच करोड़ के पुल से मिलने वाले हैं और कोई भी बच्चा इसको अटैम्प्ट कर सकता है आप भी दे सकते हो आपके छोटे भाई बहन भी दे सकते हैं क्लास सिक्स टू आगे कोई भी दे सकता है ठीक है तो आप सभी तक ये लिंक शेयर करना डिस्क्रिप्शन वाला एंड उनसे इनरोल करा लेना हर एक कैटेगरी के साथ साथ लकी विनर को सारे प्राइजेस मिलेंगे टॉप सेवन विनर को तो कमाल की बात है ये भी सुन लो कि यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको एक भी रुपये पे नहीं करना है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में तुम्हें बता देता हूं सबसे पहले फ्री इनरोलमेंट है तुम्हें इनरोल करने के लिए एक रुपये भी नहीं देना है और खाली इनरोल करने पर डेली आज अगर तुम इनरोल करते हो तो डेली लकी डोर निकाला जाएगा जिससे सात विनर्स को मिलने वाला है एक सरप्राइज बॉक्स जिसकी कीमत होती है थर्टी जिसकी कीमत होती है थर्टी थाउजेंड तो आपको सरप्राइज बॉक्स मिलेगा खाली एनरोल करने पे इतना ही नहीं इस टेस्ट को देने के लिए कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड है समझ रहे हो तो आप अपने एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकते हो जनरल एप्टीट्यूड है न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं इसको ठीक है तो कोई भी प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं है तो ये तीन फीचर्स हैं इम्पोर्टेंट अनअकेडमी इमर्ज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ फ्री में इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो एस जे लाइव इलेवन थैंक यू यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक बात और मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ फॉर महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी तो वहाँ पर भी आप कोई भी क्लास अनलॉक कर सकते हो मेरा एक कोड डाल करके और मेरे क्लास में आ सकते हो तो अनअकेडमी इमोज में जरूर इनरोल कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को कहना इनरोल कर लेने के लिए तो फिर तुम सब भी गिफ्ट जीत सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं आई होप कि तुम्हें टाइप बी तो पूरा क्लियर हो गया होगा लेट्स मूव टू टाइप सी अजीत थोड़ा सबर करो तीसरा सम बाकी है ये क्यों दूंगा मैं तुम्हें सोच लो पढ़ो ये सम ए मोटर बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एसलरेशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो इफ इट अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन फाइव सेकंड एक वेलोसिटी अटेंड कर रहा है मतलब मान लो फाइनल वेलोसिटी दिया है ठीक है और फिर कह रहा है कैलकुलेट द एस्लेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल तो तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालना है जैसे एरोप्लेन वाले एक्जाम्पल में निकाला था और एसलरेशन भी निकालना है उस टाइम का ये क्वेश्चन का जो गिवन है ये देख लो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फिफ्टीन मीटर पर सेकंड ठीक है टाइम दिया तो मैं पाँच सेकंड ठीक है ना यहाँ पे देखो टाइम पाँच सेकंड दिया है और फाइंड क्या करना तो मैं एसलरेशन ढूंढना है ये तुम्हारे लिए यहाँ पे फॉर्मूला डाल देता हूँ मैं कि ये फार्मूला डालना तुम्हें एसलरेशन निकालने के लिए फाइन फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासिटी अपॉन टाइम और डिस्टेंस निकालने के लिए यह फार्मूला रहेगा सॉल्यूशन तुम सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना ठीक है सिंपल है काफी सिंपल है सारे समकरी जरूरी नहीं है कुछ कुछ तुम भी करो हर टाइप का ओके okay गाइज तो so यहां पर यहां पर यहां पे मैं बता देता तो हूं पहले ही कि कमेंट कर देना इसका आंसर और यहां पे हमारा ये वाला पूरा का पूरा तांडव हुआ खत्म टाइप बी न्यूमेरिकल्स पूरा खत्म हो गया अब हम बात करने वाले हैं टाइप सी न्यूमेरिकल्स की टाइप सी न्यूमेरिकल जो है ना वो फोर्स इज इक्वल टू मा पे बेस्ट है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन एंड वो इस पे भी बेस्ट है जिसको कहते हैं मोमेंटम ठीक है मास इंटू वेलासिटी और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम पे भी बेस्ट है तो इस पर हम बहुत ज़्यादा सम नहीं करेंगे क्योंकि वो सम तो तुम कर ही लोगे ना जिसमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसलरेशन ही लगाना है खाली या फिर खाली यही लगाना है तो हम बहुत ज़्यादा सम नहीं करेंगे लेकिन ऑलमोस्ट करने वाले काफ़ी तो ये देखो तो अई भाई क्या हो गया मैं डर गया था चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ता है मजाक मजाकता पहला क्वेश्चन है द मास ऑफ अ कैनन काफी लोगों को कैनन का मतलब नहीं पता होता कैनन का मतलब होता है तोफ ठीक है द मास कैन इज फाइव हंड्रेड के जी तो मान लो ये जो तोफ है इसका वजन है 500 सौ के जी इट रिक्वाइल्स विद स्पीड ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड रिक्वाइल मतलब जैसे देखो गोली आगे गई तो ये तोप पीछे जा रहा है देखो गोली निकलेगा धूम तो पीछे गया तो उसको बोलते हैं रिक्वाइल पीछे जाना ठीक है mm. तो वट इज द मोमेंटम ऑफ कैन तो इसका मोमेंटम क्या है मतलब इसका मास और इनका वेलोसिटी आगे पीछे जो भी है मास दिया कैनन पांच सौ केजी रिक्वायर्ड वेलॉसिटी जाता है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर सेकंड मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाता है पीछे ठीक है फाइंड क्या करना है मोमेंटम ढूंढना है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? देखो मास इंटू वेलॉसिटी कोई बात नहीं है मास की वैल्यू क्या है फाइव फाइव और वेलासिटी की वैल्यू क्या है जीरो डाल दो आंसर क्या आएगा 125 kg m/s सेकंड kg क्यों क्योंकि मास का यूनिट है kg और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड तो kg मीटर पर सेकंड आंसर आ गया द मोमेंटम ऑफ कैनन इज 125 kg मीटर पर सेकंड इतना आसान है इसीलिए तो नहीं करा रहा था समझे चलो तो ये सम हो गया खत्म अब अगले सम की तरफ चलते हैं ओ भैया बॉल ओ इससे क्या दिखाना चाहते हो बताता हूं देखो क्वेश्चन क्या है टू बॉल्स ऑफ 50 ग्राम एंड 100 ग्राम तो मान लो एक लाल वाला बॉल है जिसका वजन है 50 ग्राम और एक व्हाइट वाला बॉल है जिसका वजन है 100 ग्राम एंड दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एक ही लाइन में आगे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन तो इसी लाइन में आगे जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड एंड वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तो एक वैल्यू इसका क्या है जिसका फिफ्टी ग्राम है उसकी वेलोसिटी कितनी है थ्री मीटर पर सेकेंड जिसका हंड्रेड ग्राम है उसका कितना है ऐसा क्यों आपको कैसे पता है? चला इसका है यहां पर रेस्पेक्टिवली लिखा है तो इधर जो पहले आएगा उधर भी यही पहले आएगा रेस्पेक्टिवली मतलब यह होता है तो चलो दे कोलाइड विद ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे the collision, the first ball moves with a velocity of 2.5 meter मीटर second. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल तो बोल रहा है कि जो कोलिजन होगा देखो जैसे मान लो कि दोनों बॉल आगे जा रहे हो दोनों बॉल टकरा जाएंगे टकराने के बाद जो फर्स्ट बॉल है वो मूव करेगा विद द वेलासिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड हमें करना है वेलोसिटी कैलकुलेट दूसरे बॉल का सिंपल दो बॉल है एक का मास कुछ है एक का मास कुछ है दोनों बॉल आगे जा रहे हैं ऐसे देखो दोनों बॉल ऐसे आगे 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 जा रहे हैं एक ही लाइन में और अचानक से टकरा जाते हैं टकराने का एक बॉल जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से 2.5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता है तो दूसरा कितने इससे पीछे जाएगा या आगे जाएगा ये हमें बताना है सिंपल तो देखो करते हैं इसका गिवन क्या दिया आपको गिवन दिया मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू एम जिसका मास है फिफ्टी ग्राम दूसरा फिफ्टी uh, ग्राम को हमने के में कन्वर्ट किया मतलब डिवाइड बाय थाउजेंड किया सिंपली यहाँ पे तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव के आ जाएगा सेकेंड बॉल का मास है हंड्रेड ग्राम जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट वन के ठीक है यहां पे केजी कहा मैंने ग्राम कहा केजी है बाय द वे इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल का कितना है देख लो थ्री मीटर पर सेकंड सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल का क्या था 1.5 मीटर वो रेस्पेक्टिवली वाला वर्ड ठीक है अच्छा फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल हमें दिया है फर्स्ट बॉल का कितना दिया टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड मैंने कहा ना एक बॉल ऐसे जाएगा तो दूसरे बॉल का क्या होगा फाइंड करना हमें फाइंड क्या करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल वी टू फाइंड करना है सिंपल है चलो फार्मूला क्या लगेगा वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम देखो इनिशियल मोमेंटम को हमने ब्लू से रखा और फाइनल मोमेंटम को हमने रेड से रखा है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये फॉर्मूला है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लेक्चर नंबर टू में तुम जाके सीख सकते हो फार्मूला कैसे आया मास एम वन यू वन मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी पहले दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वाले के लिए ठीक है देखो यार यहाँ पे मास क्या था पहले ऑब्जेक्ट का हमने निकाला था जीरो पॉइंट जीरो फाइव के जी में कन्वर्ट करके और उसका तीन था इनिशियल वेलोसिटी प्लस का साइन दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना था जीरो पॉइंट वन और उसका इनिशियल वेलोसिटी था वन पॉइंट फाइव इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का मास तो वही है जीरो पॉइंट जीरो फाइव और फाइनल वेलोसिटी उसका टू पॉइंट फाइव दिया है हमें लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमें पता है जो कि जीरो पॉइंट वन है लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता तो उसको हम वी टू ही लिख देंगे वो हमको ढूंढना है सिंपल वो हमको ढूंढना है चलो तो ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.5 पॉइंट यहां पर आएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करने का बाद आंसर आएगा 0.15 पॉइंट वन फाइव यहां पर आएगा इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने का बाद आंसर आएगा 0.125 पॉइंट वन टू फाइव यहां पर आएगा प्लस और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.1 पॉइंट वन वी टू जीरो पॉइंट क्लियर है यहां तक सिंपल है कुछ नहीं है, हमने कैलकुलेशन करा है बस इन दोनों को एड करके आंसर आने वाला है जीरो पॉइंट थ्री मतलब जीरो पॉइंट थर्टी मतलब जीरो पॉइंट थ्री भी लिख सकते हो आप इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर सकते होगा तुम

1.75 और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड भी कर लिया जीरो से तो इसको माइनस करके जब इसको मैं डिवाइड कर लूंगा जीरो से तो वी का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा वन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड क्योंकि v2 वेलोसिटी है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द वेलोसिटी ऑफ़ द अदर वॉल आफ्टर कोलिजन इज 1.75 मीटर पर सेकेंड सिंपल है यहां पे क्या किया सिंपली इन दोनों को कैलकुलेट किया और उसका डिवाइड बाई कर दिया 0.1 पॉइंट तो आंसर मेरा आ गया तो बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के भी सम आगे भी जो इस टाइप के सम होंगे ना बहुत ही सिंपल होंगे तो मैं कुछ नहीं कर रहे हैं एक एक वैल्यू आराम से डालनी है और कैलकुलेट कर लेना है इट्स वेरी सिंपल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बाकी जो भी सम है इस चैप्टर में वो मैंने दे दिया है जैसे कि तुम्हारा और संगीता सरिता वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो वो सारे एग्जाम्पल्स तुम खुद प्रैक्टिस करो मैंने हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऑलमोस्ट सिखा दिया है जिसके बदौलत तुम बाकी सारे कर सकते हो खाली वैल्यूज चेंज होंगे और मेथड भी वही रहने वाला है तो बाकी तुम प्लीज कर लेना एंड जब भी तुम्हारा हो जाए तो नीचे कमेंट में करके जरूर बताना कि ये चैप्टर का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मैं एक प्लेलिस्ट बना करके डाल दूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में तो वहां पे पूरा का पूरा ये चैप्टर मिल जाएगा तुम्हें तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हाँ अगर इस चैनल पर नए हो अब तक वीडियो को देखा है और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड शेयर करना मत भूलना वीडियो को लाइक करो कि वीडियो यूट्यूब की गहराइयों में डूब के ना रह जाए और लोगों तक पहुँचे मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी आके आके आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड है एस जे लाइव इलेवन जो कि सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी इमोज के लिए जरूर इनरोल करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कॉमेंट कर दो मैं वर्क एंड एनर्जी पर तब तक काम करता हूँ सेकंड चैप्टर भी कर लेते हैं ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग हैप्पी लर्निंग